बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये एक हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को जानना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आपको कमर्शियल लैंग्वेज समझ में आएगा, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं लिया जाता, और ये दो पार्टी के बीच में होता है जिसके कारण अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को शुरू किया जाता है। इट इज फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये एक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जिसको प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगाता है या पार्टनर्स लोग मिलकर अपने पार्टनरशिप बिजनेस में लगाते हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मॉनिटरी वैल्यू, और ये आपका मनी के भी फॉर्म में हो सकता है और जरूरी नहीं ये एसेट्स के भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसका मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए या होता है। ड्रॉइंग का बात करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, When proprietors withdrew cash or goods for personal use, private use or domestic use is called drawing. यानी कि proprietor अपने घर के use के लिए, अपने निजी काम के लिए अगर business से cash या goods को withdrew करता है तो that is called drawing. Next definition, liabilities. Liabilities means amount payable by business. Liability towards the owner is called internal liability. On the other hand, liability towards the outsider other than the owner is termed as external liabilities. यानी कि business को जो कुछ भी किसी को देना होता है या pay करना होता है उसको हम लोग liabilities बोलते हैं। लेकिन यहाँ लाइबिलिटी का दो पार्ट है। अगर आप अपने बिजनेस के ओनर के लिए जवाबदेही हैं या उनका पैसा उनको लौटाना है तो इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब बिजनेस के बाहर के लोगों को पैसा चुकाना होता है या पे करना होता है तो हम लोग उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आते हैं। इट इज That liability which is payable after a period of more than a year from the end of accounting period. यानी कि non-current liability एक ऐसा liability है जिसको एक साल से ज़्यादा समय के बाद payment किया जाता है, more than one accounting period. यानी कि एक accounting period से ज़्यादा, एक accounting period 12 महीना का होता है या एक साल जिसको हम लोग बोलते हैं। वैसे भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का जो ईयर होता है वो 3 साल से ज़्यादा होता है, 3 साल से कम को हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या मिडिल टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि 12 महीने के अंदर एक अकाउंटिंग साइकिल होता है 12 मंथ का, तो 12 महीने के अंदर जिस लाइबिलिटीज को हम लोगों को पेमेंट करना होता है या पेमेंट किया जाना है उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। Assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an organization or individuals. यानी कि assets जो है future economic benefit के लिए use किया जाता है। Assets के through हम लोग production करते हैं, assets के ऊपर businessman का rights होना चाहिए, which are owned or controlled by an organization, जिस पे किसी organization का अधिकार होता है और जिस पे control भी किसी organization का या किसी individual का होता है। Sole proprietorship में individual होता है जबकि partnership और company में organization होता है। Next point, fixed tangible assets. Tangible assets are those assets which have physical existence, यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, which can be touch, seen, और land and building, for example, land and building, plant and machinery, furniture, freehold premises, ये सब जो है tangible assets है, यानी कि जिसको छुआ जा सकता, देखा जा सकता, जिसका physical existence होता है। Fixed intangible assets. Intangible assets are those assets which do not have physical existence. They cannot be seen or touch. यानी कि वैसे assets जो business में होते हैं but जिनका physical existence नहीं होता है, जिसको ना तो छुआ जा सकता ना देखा जा सकता है, उसको हम लोग intangible assets बोलते हैं। For example, goodwill, patent right, copyright, trademark, royalty. Current assets. Current assets are those assets which are purchased
फॉर रीसेल पर्पस और कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, यानी कि करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको बिजनेस चलाने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है, दोबारा बेचने के लिए, जिसको हम लोग बेच के मनी में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, स्टॉक, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। बाकी की कुछ और डेफिनेशन है मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक आप मेरे वीडियो से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।